गुड मॉर्निंग एवरी वन, माई सेल्फ नेहा टिकरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट जे वाई सी जी कॉलेज रायपुर, एंड दिस इज़ माई फोर्थ वीडियो लेक्चर फॉर बी सी ए फर्स्ट ईयर एंड बी कॉम फर्स्ट ईयर विथ कंप्यूटर एप्लीकेशन. सब्जेक्ट इज कंप्यूटर फंडामेंटल्स यूनिट 3, बेसिक कंपोनेंट्स एंड स्टोरेज. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द CPU, टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, दैट वॉज मैग्नेटिक डिस्क. एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर ऑप्टिकल डिस्क. दिस इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज, विच इज अगेन कैटेगराइज इन सिक्वेंशियल एक्सेस एंड डायरेक्ट एक्सेस. अंडर द डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेज आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन ऑप्टिकल डिस्क. ऑप्टिकल डिस्क इज अ सर्कुलर प्लेट विच इज कोटेड विथ मटेरियल और सम हाईली रिफ्लेक्टिव मटेरियल. ऑप्टिकल डिस्क, जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क के बारे में हमने बताया था कि वो प्लास्टिक या मेटल का डिस्क होता है, ये मेटल का होता है और इसमें हाईली रिफ्लेक्टिव मटेरियल से इसकी कोटिंग होती है. ऑप्टिकल डिस्क में लेजर बीम टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है डेटा को रिकॉर्डिंग करने के लिए और डेटा को रीड करने के लिए. पिछले हमने मैग्नेटिक डिस्क के केस में देखा था कि वो किसी मैग्नेटाइजेबल मटेरियल का यूज होता था, जैसे आयरन ऑक्साइड हो गया उस तरह के, लेकिन इसमें लेजर बीम टेक्नोलॉजी की का यूज किया जाता है, इसीलिए इसको लेजर डिस्क या ऑप्टिकल लेजर डिस्क भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इसमें लेजर टेक्नोलॉजी का यूज होता है. ये बहुत ही अच्छा मीडियम होता है, रैंडम एक्सेस मीडियम, क्योंकि ये इसकी कैपेसिटी हाई होती है, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही हाई होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकती है एक लिमिटेड स्पेस में. इसमें जो ट्रैक्स हैं इनके, वो एक स्पायरल ट्रैक के फॉर्म में होता है. दैट मींस एक सिंगल लाइन जो है वो ट्रैक क्रिएट करता है मूव करके, राउंड राउंड मूव करके. तो इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यूज नहीं होंगे, एक सिंगल स्पायरल ट्रैक यूज होगा जो राउंड शेप में इसकी डिजाइनिंग होगी. स्टार्ट आउटर साइड से स्टार्ट होके इनर साइड से इसकी एंडिंग होगी सर्कल फॉर्म में. और जो ट्रैक्स हैं वो जो सर्कल फॉर्म में जब इसका डिजाइन होगा तो उसमें वो ट्रैक्स जो हैं वो डिवाइडेड होगा इक्वल साइज के सेक्टर्स में. लेजर बीम टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है रीड और राइट करने के लिए डेटा को. इसमें कोई मैकेनिकल रीड राइट हेड एक्सेस आर्म नहीं होते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क में आपने देखा होगा कि एक रीड राइट हेड होता है जिसके थ्रू डेटा को रीड और राइट किया जाता है, लेकिन इसमें ऑप्टिकल डिस्क में ऐसे कोई फैसिलिटी नहीं है. ये लेजर बीम टेक्नोलॉजी का यूज करके ही इसमें रीडिंग राइटिंग की जाती है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैक पैटर्न हमने यहाँ पे शो करवाया है दोनों में डिफरेंस बताने के लिए. मैग्नेटिक डिस्क के केस में ये ट्रैक फॉर्म है और ऑप्टिकल डिस्क के केस में ये ट्रैक फॉर्म है. तो इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं. इसमें कॉन्सेंट्रिक, मैग्नेटिक डिस्क में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में ये ट्रैक्स जो हैं वो डिजाइंड हैं जो दिखाई नहीं देते हैं. ये आप देख रहे हैं सर्कल, देन अगेन सर्कल्स हैं, बहुत सारे सर्कल्स हैं जिनका सेंटर एक है, तो यही इनके ट्रैक्स कहलाते हैं. लेकिन ऑप्टिकल डिस्क में ट्रैक्स जो हैं वो एक स्पायरल, एक ही लाइन की स्पायरल फॉर्म में डिजाइन है. तो ये इसकी ट्रैक ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से होती है, आउटर साइड से स्टार्ट होके ये मूव करते हुए राउंड राउंड करते हुए ये इनसाइड में यहाँ पे एंड हो जाती है. तो इस केस में हम देखते हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ऑप्टिकल डिस्क के लिए. स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ऑप्टिकल डिस्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेक्टर्स मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ बाइट्स पर सेक्टर. मैग्नेटिक डिस्क के केस में हमने देखा था उनके सरफेसेस को भी, नंबर ऑफ सरफेस एंड नंबर ऑफ ट्रैक्स. तो यहाँ पे जो ट्रैक्स को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये स्पाइरल शेप में है, ये इसी को यही जो ट्रैक्स है, क्योंकि इसमें अलग अलग ट्रैक्स नहीं है, इसी ट्रैक को हम सेक्टर्स में डिवाइड कर देंगे और जो भी सेक्टर्स होंगे उसके फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे इसकी कैपेसिटी. अब देखते हैं ऑप्टिकल डिस्क की एक्सेस टाइम कैसे निकाला जा सकता है. विथ ऑप्टिकल डिस्क ईच सेक्टर हैज द सेम लेंथ,
जैसे कि मैंने अभी बताया सेम लेंथ का होता है हर एक सेक्टर जो है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज लोकेटेड नियर और अवे फ्रॉम द डिस्क सेंटर। तो ये स्टार्टिंग से हम इसका सेक्टर क्रिएट करते जाएंगे और ये इसका जो सेक्टर होगा उसका सभी का लेंथ जो है वो सेम होगा। रोटेशन स्पेस ऑफ डिस्क मस्ट वेरी इन्वर्सिवली विद द रेडियस, हेंस ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव यूज अ कॉन्स्टेंट लिनियर वेलोसिटी एनकोडिंग स्कीम। तो इसकी जो रोटेशन स्पीड है या एक्सेस टाइम जो है वो वेरी करेगा उसके सेंटर से दूरी के हिसाब से, उसके रेडियस के हिसाब से। तो सेंटर से जितनी उसकी दूरी होगी उसके हिसाब से उसकी जो एक्सेस टाइम होगा वो डिपेंड करेगा उस पर। ये इसका जो एक्सेस टाइम है एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक डिस्क स्लोअर होता है, स्लो प्रोसेस होता है मैग्नेटिक डिस्क के कंपेरिजन में इसको एक्सेस करना। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज के फॉर्म में मैंने बताया है, इसमें ये ऑप्टिकल डिस्क का ड्राइव है, जनरली कंप्यूटर के साथ में अटैच्ड होता है, ये आप देख सकते हैं। ये ऑप्टिकल डिस्क है जो इस ट्रे में, इस प्लेट में रखा जाएगा और ये जो प्लेट है वो मूवेबल है। बटन को प्रेस करने से, यहाँ पे देख सकते हैं इजेक्ट बटन दिया हुआ है, इस बटन को प्रेस करने से ये बाहर आता है, उसमें हम डालते हैं डिस्क को और ये फिर बटन दबाने से ये अंदर चला जाता है। इस तरह से ये सिस्टम में फिर रीड कराया जा सकता है। यहाँ पे आप हेडफोन्स वगैरह लगा सकते हैं, उसके लिए सॉकेट यहाँ पे दिया हुआ है, अटैच कर सकते हैं वायर के थ्रू। ये लाइट इंडिकेटर, यहाँ पे लाइट इंडिकेट होगा और यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं कम ज़्यादा, और ये ट्रे का डायरेक्शन है कि ये अप है, इनसाइड जाएगा या बाहर निकलेगा। तो इस तरह से ये डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क का ड्राइव है जिसमें हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं इसके थ्रू। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। सो फर्स्ट टाइप इज CD-ROM। CD-ROM का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये शाइनी सिल्वर कलर का मेटल डिस्क होता है, शाइन करता है, सिल्वर कलर का है इसलिए। स्टोरेज कैपेसिटी इसकी लगभग 650 मेगाबाइट्स की होती है। ये प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में आती है, दैट मीन्स डेटा पहले से रिकॉर्डेड होता है, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, अल्टरेशन नहीं किया जा सकता है और इसमें बहुत सारे डेटा स्टोर किया जा सकता है। कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इसकी कॉस्टिंग लो होती है। इस टाइप के डिस्क में, इस टाइप के जो CD-ROM डिस्क में है वो बहुत सारे लार्ज अमाउंट डेटा स्टोर किया जा सकता है। जस्ट लाइक एग्जांपल के लिए एक एनक्लोपीडिया स्टोर किया जा सकता है, डिक्शनरी, वर्ल्ड का एटलास या ग्रेट पीपल्स के बायोग्राफिक्स इसमें स्टोर की जा सकती है, इतनी इसकी कैपेसिटी होती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ से भी यूज़ होता है, जैसे कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग्स हैं, जर्नल्स, मैगजीन्स, बुक्स, मल्टीपली मीडिया एप्लीकेशन, जैसे कि आप ऑडियो वीडियो गेम्स स्टोर करना चाहें उस फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। और जनरली वेंडर्स के द्वारा जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सॉफ्टवेयर्स की, उस पर्पज़ से भी स्टोर किया जाते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स के सेटअप फाइल्स या बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स उनको स्टोर करके डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उस पर्पज़ से भी ये यूज़ किया जाता है। सेकेंड इसका टाइप है WORM डिस्क, रोम डिस्क। CD रिकॉर्डेबल भी इसको कहा जाता है। रोम का फुल फॉर्म है राइट वंस रीड मेनी, जैसा कि नाम से क्लियर है आपको, एक बार इसमें डेटा रिकॉर्डिंग होगी और उसको बहुत कितने भी टाइम इसको रीड किया जा सकता है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो सेम होती है CD-ROM की तरह। यूज़र्स को अपने खुद का डिस्क क्रिएट करने की इसमें फैसिलिटी होती है, अपना खुद का CD रिकॉर्डेबल ड्राइव ये डिस्क क्रिएट कर सकते हैं और उसको कंप्यूटर में अटैच करके, ड्राइव में अटैच करके उसको इजीली एक्सेस किया जा सकता है और उसमें रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है ड्राइव में अटैच करके। डेटा टू बी रिकॉर्डेड कैन बी रिटन ऑन इट्स सरफेस इन मल्टीपल रिकॉर्डिंग सेशन, मल्टीपल रिकॉर्डिंग सेशन के फॉर्म में इसमें रिकॉर्डिंग होती है। जैसे कि डिस्क है जिसको अलग अलग पार्ट्स में, उसको कह सकते हैं सेशन में डिवाइड कर दिया जाता है। तो जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप मान लो थोड़े से डेटा उसमें डालना चाहते हैं, देन बाद में और डालना चाहते हैं, तो उसमें जो सेशंस होते हैं
रिकॉर्डिंग सेशंस होते हैं। तो जब आप मान लो कुछ डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो उसके फर्स्ट सेशन में रिकॉर्डिंग होगी, देन अगर आप बाद में और स्टोर करना चाहते हैं डेटा तो उसके सेकंड सेशन जो फ्री रहेगा उसमें रिकॉर्डिंग होगी। इसमें ओवरलैप नहीं होगा, दैट मीन्स ऑलरेडी जिस सेशन में रिकॉर्डिंग हो चुकी है उस सेशन पे फिर से रिकॉर्डिंग नहीं होगी, दूसरे उसके सेशन में रिकॉर्डिंग होगी। तो इस तरह से इसमें रिकॉर्डिंग की जा सकती है, ये मल्टीपल सेशंस में डिवाइडेड होते हैं। जो प्रीवियस जो सेशंस हैं जिसमें रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है उसमें कोई अल्टरेशन या उसको बर्न नहीं किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड ऑन देम कैन बी रीड बाय एनी ऑर्डिनरी सीडी रोम ड्राइव्स। तो सीडी रोम ड्राइव की मदद से जो रिकॉर्डिंग हुई है उसको रीड किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। दे आर यूज फॉर डेटा आर्चिविंग एंड फॉर मेकिंग परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल मेनी बैंक्स यूज देम फॉर स्टोरिंग देयर डेली ट्रांजेक्शन्स। ये परमानेंट रिकॉर्ड्स या संग्रह करने के पर्पज से यूज किया जाता है, जैसे बैंक जो है अपना डेली ट्रांजेक्शन्स जो होता है उनको रिकॉर्ड कर सकता है इस टाइप के डिस्क में। नेक्स्ट इज सीडी रीड राइट डिस्क। नाम से क्लियर है इसमें, ये जो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट मतलब रीड भी किया सकता है राइट भी किया सकता है। ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी सेम सीडी राइट की तरह होगी, सीडी रीडेबल डिस्क की तरह। और ये यूज़र को अपना खुद का सीडी रोम डिस्क क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और उसको जिसको कि ड्राइव में अटैच करके ईजिली राइट किया सकता है। डाटा टू बी रिकॉर्डेड कैन बी रिटर्न ऑन इट्स सरफेस इन मल्टीपल रिकॉर्डिंग सेशन। जैसे मैंने पहले बताया है इसके पहले उसी फॉर्म में, ये मल्टीपल रिकॉर्डिंग सेशन के फॉर्म में इसमें रिकॉर्डिंग की जा सकती। ये मेटालिक अलॉय लेयर का बना होता है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज करके उसके डेटा में अल्टरेशन किया जा सकता है, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है सीडी रीड एंड राइट। उसमें रीडिंग भी की जा सकती है और राइटिंग भी की जा सकती है। तो जो ऑलरेडी अगर आपके पास सीडी जिसमें डेटा है डेटा भरा हुआ है उसको आप इरेज करके दूसरा डेटा डालना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो उसको बर्न करके सीडी ड्राइव के सहायता से उसमें जो डेटा ऑलरेडी है उसको बर्न करके इरेज करके उसमें दूसरा डेटा जो है लिखा जा सकता है। कैन बी इरेज एंड रिटर्न अफ्रेश। इरेज भी किया सकता है और दूसरा डेटा लिखा जा सकता है। नेक्स्ट टाइप है डिजिटल वीडियो डिस्क या वर्सटाइल डिस्क डीवीडी जिसको हम बोलते हैं। ये भी सेम जो लुकिंग है इसका जो सेम है सीडी रोम की तरह होता है, लेकिन इसकी कैपेसिटीज जो है वो ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। इसकी कैपेसिटी जीबीज में होती है 4.7, ये नॉर्मली इसका जो आता है साइज जीबी या 8.5 जीबी। डिज़ाइन प्रीमियरली टू स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट मूवीज़ और वीडियो फाइल्स। इसमें मूवीज़ या वीडियो फाइल्स को स्टोर करने के लिए जनरली यूज़ किया जाता है। इसका नाम ही वही है डिजिटल वीडियो डिस्क, वीडियोज़ स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें लार्ज डेटा स्टोर किया जा सकता है। अब देखते हैं हम ऑप्टिकल डिस्क के कुछ एडवांटेजेस, तो क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। इसके कास्ट स्टोरेज की कॉस्ट पर बिट जो है वो बहुत ही कम होती है, ये इसलिए हाईली रिकमेंडेड ऑप्टिकल डिस्क है, स्टोरेज मीडियम के लिए यूज़ किया जाता है। एक सिंगल स्पायरल ट्रैक का यूज़ कर किया जाता है इसमें, कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाले ट्रैक्स का यूज़ नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण इसको इसका जो है एक्सेस है वो सिक्वेंशली ब्लॉक के फॉर्म में होता है। और यही जो उसकी इसमें जो मैकेनिकल रीड राइट हेड जो होता है, जैसा कि आपने मैग्नेटिक डिस्क के केस में देखा होगा रीड राइट हेड होता है, तो यहाँ पे हम ऑप्टिकल डिस्क के केस में देखेंगे कि कोई भी रीड राइट हेड नहीं होता है। जो उसके रीड राइट हेड का काम क्या होता है, जो डिस्क होता है उसके सरफेस में वो क्रश करता है, उसके सरफेस के कॉन्टेक्ट में आता है और रीडिंग परफॉर्म होती है, जिससे कि कहीं ना कहीं डिस्क में डैमेज होने के चांसेस होते हैं या उसके जो डेटा है वो धीरे धीरे लॉस होते जाते हैं। तो यही जो क्वालिटी है ऑप्टिकल डिस्क की वो उसको ज़्यादा रिलायबल बनाता है कि उसमें रीड राइट हेड नहीं होता है, जिससे कि उसके सरफेस में कोई क्रशिंग नहीं होती है, रबिंग नहीं होती है,
जो उसको ज़्यादा रिलायबल बनाती है एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटिक डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क हैव अ डेटा स्टोरेज लाइफ इन एक्सेस ऑफ 30 ईयर्स। इसीलिए इसकी जो लाइफ होती है, इसमें डेटा जो लॉन्ग टाइम तक रिकॉर्ड करके हम रख सकते हैं, उसमें ज़्यादा चांस नहीं होते हैं करप्शन के या डेटा लॉस के। 30 ईयर्स तक के हम इसमें डेटा रख सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, कोई इम्पोर्टेंट फाइल है जो आपको बहुत सालों बाद यूज़ होना है, या लॉन्ग टाइम तक आपको डेटा चाहिए, तो उस तरह के रिकॉर्ड के लिए ये बहुत ही सूटेबल है ऑप्टिकल डिस्क। इसमें जो इसकी लाइफ टाइम बेटर होती है मैग्नेटिक डिस्क मैग्नेटिक टेप की के कंपैरिजन में। जैसे कि हमने ज़्यादातर ऑप्टिकल डिस्क के बारे में देखा है कि वो परमानेंट होते हैं, दैट मीन्स डेटा एक बार रिकॉर्ड हो गया तो उसको इरेज नहीं किया सकता है। तो एक्सेप्ट फ्रॉम द सीडी रीडराइटेबल, रीडराइटेबल जो हमने देखा है उसको अगर आप अवॉइड करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, तो बाकी जो है बेसिकली जो नेचर है उसका परमानेंट होता है। उसमें डेटा एक बार रिकॉर्डिंग हो जाती है तो दोबारा उसको इरेज नहीं किया सकता है। ये कॉम्पैक्ट साइज का होता है, लाइट वेट होता है, इसलिए इसको इजिली मूवेबल होता है, मूव किया जा सकता है एक जगह से दूसरे जगह पे। सीडी रोम जो है वो म्यूजिक सीडी के फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है। अगर हम सिस्टम में साउंड और स्पीकर्स लगा दें, साउंड बोर्ड और स्पीकर्स लगा दें, तो एक बहुत अच्छा मीडियम बन जाता है म्यूजिक सिस्टम का, एंटरटेनमेंट का एक मीडियम बन जाता है। तो ये भी एक इसका एडवांटेजेस है। अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। इट इज़ लार्जली रीड ओनली, जैसा कि मैंने बताया परमानेंट होता है, रीड ओनली होता है। परमानेंट दैट मीन्स रीड ओनली, आप उसमें डेटा रिकॉर्ड हुआ है उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसमें राइट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते हैं। डेटा वंस रिकॉर्डेड कैन नॉट बी इरेज्ड, हेंस द ऑप्टिकल डिस्क कैन नॉट बी रीयूज्ड। यही इसकी एक लिमिटेशन हो गया, डिसएडवांटेजेस हो गया, कि उसमें डेटा ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते हैं। और जो इसकी डेटा एक्सेस स्पीड होती है वो एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक डिस्क स्लोअर होती है। ऑप्टिकल डिस्क रिक्वायर अ कॉम्प्लिकेटेड ड्राइव मैकेनिज्म, चूंकि ये लेजर बीम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं इसमें रीडिंग और राइटिंग के लिए, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड होता है इसका जो मैकेनिज्म है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सम अदर मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस या मास स्टोरेज डिवाइसेस। मास स्टोरेज डिवाइसेस दैट मीन्स जो वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डेटा स्टोर करने के लिए जो मीडियम होते हैं वो मास स्टोरेज डिवाइसेस कहलाते हैं। इसकी जो डेटा कैपेसिटी है वो गीगा बाइट्स या टेरा बाइट्स में होती है। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव जिसको कहा जाता है। पेन ड्राइव जैसा कि आप सब जानते हैं आजकल बहुत से पर्सन्स यूज करते हैं, और बहुत ही ये पोर्टेबल डिवाइस होता है। न्यू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो बेस्ड ऑन फ्लैश मेमोरी पे बेस्ड होती है। ईजिली ट्रांसपोर्टेबल होता है, बहुत ही छोटा साइज होता है इसका, कॉम्पैक्ट साइज, और इसका जो साइज है, इसका शेप, इसके जो शेप्स हैं बहुत छोटे होते हैं, और बहुत ही स्टाइलिश वे में भी आने लगे हैं आजकल पेन ड्राइव्स जो हैं। इसको आप गले में लटका सकते हैं, अपने पॉकेट में रख सकते हैं, या हैंड में ब्रेसलेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग शेप साइज डिजाइंस में आने लगे हैं, स्टाइल्स में आने लगे हैं। प्लग एंड प्ले डिवाइस होता है, सिंपली इसको प्लग किया जा सकता है यूएसबी पोर्ट में, और इजिली इसको यूज़ किया जा सकता है, हैंडल कर सकते हैं रिमूवेबल ड्राइव के थ्रू। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी इस तरह से है, 8 MB, 16 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, GBs, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16, 64 GB, और भी बहुत सारे साइजेस के हैं, 128 GB इस तरह से। नेक्स्ट मास मेमोरी का, मास स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल है मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड जिसको हम बोलते हैं। तो आप सब इसके बारे में जानते होंगे, ये फ्लैश ड्राइव की पेन ड्राइव की तरह ही होता है, लेकिन ये कार्ड के फॉर्म में होता है, कार्ड शेप में होता है। ये भी प्लग एंड प्ले डिवाइस है, सिंपली इसको प्लग किया जा सकता है पोर्ट में, कंप्यूटर में इसको पोर्ट किया जा सकता है रिमूवेबल ड्राइव की तरह।
यूजफुल इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक कैमरा, म्यूजिक प्लेयर, मोबाइल्स। जनरली ये मोबाइल में, म्यूजिक प्लेयर में और कैमरा में यूज़ किया जा सकता है कार्ड के फॉर्म में। इसकी भी कैपेसिटी जो पेन ड्राइव है उसी की तरह ही होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। आप जानते होंगे हार्ड डिस्क के बारे में, इंटरनल हार्ड डिस्क हम पढ़ चुके हैं अपने पिछले वीडियो में कि जो कंप्यूटर सिस्टम में हार्ड डिस्क होता है वो क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे हम देखते हैं एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के बारे में। ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होता है, आउटसाइड होता है कंप्यूटर के, जिसको हम इजीली यूएसबी केबल के थ्रू या वायरलेस कनेक्शन के थ्रू इसको पोर्ट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो होते हैं यूजली स्टोर मीडिया दैट अ यूजर नीड्स टू बी पोर्टेबल, पोर्टेबल फॉर्म में मतलब कंप्यूटर से बाहर होता है तो हम इजिली यहाँ से वहाँ ले जा सकें, उसमें डेटा स्टोर करके उस पर्पज से यूज़ करते हैं। और बेसिक इसका जो पर्पज़ होता है मेन बैकअप होता है, तो डेटा को, डेटा जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है उनका हम बैकअप अगर स्टोर करना चाहें तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव बहुत ही लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर करते हैं और ये बेसिकली बैकअप पर्पज़ से ही यूज़ किया जा सकता है, या इसको हम कह सकते हैं इस पर्पज से भी यूज़ किया जा सकता है कि इंटरनल ड्राइव अगर आपका फुल हो चुका है तो हम एक्स्ट्रा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हैं। दिस डिवाइस हैव अ हाई स्टोरेज कैपेसिटी कंपेयर टू फ्लैश ड्राइव और मोस्टली यूज फॉर बैकिंग अप कंप्यूटर फाइल्स और सर्विंग अ नेटवर्क ड्राइव टू स्टोर शेयर्ड कंटेंट। इसकी कैपेसिटी जो है वो पेन ड्राइव और जो एसडी कार्ड देखें उससे भी ज़्यादा हो सकती है और बेसिकली ये बैकअप पर्पज से यूज़ किया जाता है। नेटवर्क ड्राइव में भी इसका यूज़ किया जा सकता है डेटा शेयर पर्पज से। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स जो होता है वो रिमूवेबल हार्ड ड्राइव्स भी कहलाता है। अब ये देख सकते हैं इस तरह से दिखाई देता है आपका जो है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, इसमें ये यूएसबी के में कंप्यूटर में या लैपटॉप में अटैच किया सकता है और डेटा रिकॉर्ड किया सकता है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। मेन डिफरेंस जो होता है दोनों में, इंटरनल हार्ड डिस्क क्या है वो कंप्यूटर के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर इंस्टॉल होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है वो कंप्यूटर के बाहर होता है, उसको हम यूएसबी के थ्रू, यूएसबी पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करते हैं या वायरलेस मीडियम के थ्रू भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनल हार्ड ड्राइव जो होता है वो सारे डेटा स्टोर करते हैं उसमें कंप्यूटर के, लेकिन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो होती है वो बैकअप पर्पज से यूज़ करते हैं या एक्स्ट्रा डेटा जो हमको चाहिए उसको या करप्शन से बचाने के लिए प्रोटेक्टेड जो डेटा है या इम्पोर्टेंट डेटा है उनको प्रोटेक्ट, बैकअप पर्पज से उसको यूज़ करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ओरिजिनल डेटा को। इंटरनल हार्ड ड्राइव जो होती है वो ज़्यादा फास्ट होती है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव से। इंटरनल ड्राइव में कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी, बस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा पूरा यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा ऑप्टिकल डिस्क का कॉन्सेप्ट, उनके टाइप्स। थैंक यू वेरी मच।